अरे पता नहीं कहाँ रह गया, मैं कब से इसका वेट कर रही हूँ। इंतजार नहीं हो रहा, मैसेज तो आया था कि 12 बजे तक पहुँच जाएगा। ये बुढ़िया आज इतनी बेचैन नजर क्यों आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है बिटुआ, कुछ तो गड़बड़ है। ग्रैनी रुको, मैं जाकर देखता हूँ। लो फाइनली आ गया बिटुआ, तू अपना काम कर, मैं खुद दरवाजा खोल देती हूँ, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, रोज तो आप मुझे दरवाजा खोलने के लिए बोलते हो, आज जब मैं जा रहा हूँ तो आप मुझे मना कर रहे हो। मैंने कहा ना मैं देख लूंगी, तू जाकर अपना काम कर, और हाँ नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ग्रैनी पे शक हो रहा है, दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। Oh, no! क्या डिलीवरी वाले भाई साहब, आपने आने में देरी कर दी। सॉरी मैडम, एड्रेस मिल ही नहीं रहा था। ग्रैनी का पार्सल आया है। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। ग्रैनी के इस पार्सल में क्या है मुझे पता लगाना पड़ेगा। फाइनली मुझे जिसका इंतजार था वो आ गया। इसके बारे में बिटवा और जानू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसे यही रख देती हूँ, जानू तो बाहर गया हुआ है, देखती हूँ ये बिटवा क्या कर रहा है, फिर बाद में इसे कहीं और जगह छुपा दूंगी। ओ तो ये है वो पार्सल जो ग्रैनी मुझसे छुपा रही थी और बोल रही थी कि इसके बारे में ग्रैंडपा और बिटवा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अरे ये तो कोई खाने की चीज लग रही है। कितनी खराब है ग्रैनी, मुझसे छुप छुप के चीजें ऑर्डर करती रहती है और मुझे बताती भी नहीं है। Oh, no! कोई बात नहीं ग्रैनी, अब इसे मैं खाऊंगा। वाह क्या मस्त टेस्टी चॉकलेट है, ऐसी टेस्टी चॉकलेट मैंने कभी नहीं खाई। तभी ग्रैनी मुझसे इस चॉकलेट को छुपा के रख रही थी। ओ नींद आ रही है, सो जाता हूँ। अरे मेरा सामान कहाँ चला गया, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, कितने लंबे टाइम से मैंने उसका इंतजार किया था। Oh, no! बेटवा कब से सो रहा है, जल्दी उठ। Oh, no! उठ रहा हूँ ग्रैनी। सुंदर लड़की है। हाय। ये तो मैं हूं। लड़की कैसे बन गया बिटवा, ये तेरे साथ क्या हो गया? कहीं मेरी ग्रैनी की वो चॉकलेट खा ली थी, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया? Oh, no! अगर ग्रैनी को इसके बारे में पता चलेगा तो ग्रैनी मुझे बहुत मारेगी। अब क्या होगा, अब मैं अपने असल रूप में कैसे हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुढ़ाऊंगी बहुत खिल्ली उड़ाएगा। अरे कब उठेगा, कितनी देर से बुला रही हूँ, कुंभकर्ण कहीं का। आया ग्रैनी। अरे वहां छुप कर क्या कर रहा है, इधर आ। कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? मैं, अरे कुछ बोलोगी भी? मैं बिटुआ की बहन बिटिया हूँ।
बिटवा की बहन बिटिया, लेकिन बिटवा है कहाँ? बिटवा ना किसी काम से बाहर गया है। उसने बोला है कि मुझे मेरी ग्रैनी ग्रैंड पर सिर्फ बहुत प्यार है, तो इनका ख्याल रखना, तो वो आपका ख्याल रखने के लिए मुझे यहाँ पर छोड़कर गया है। ओह स्वीट, लेकिन वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता, तो आज कैसे चला गया? इसलिए क्योंकि आप उसे कहीं जाने नहीं देती। वैसे तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हें देख के मेरा गुस्सा काफूर हो गया। तुम बहुत प्यारी हो बिटिया, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल बिटवा से मिलती है। भाई बहन जो है। बिटिया तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ओके ग्रैनी। बिटवा बाल बाल बचे, अगर ग्रैनी को जरा सी भी भनक हो जाती ना तो तेरी चटनी बना देती। बिटिया खाना कैसा लगा तुम्हें? ग्रैनी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, चमगादड़ तो बहुत टेस्टी बना है। आई लव चमगादड़। बुढ़ाओ सारा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। क्या? मेरा मतलब है ग्रैंडपा, आपने तो ना मुंह का टेस्ट खराब कर दिया, ऐसा कोई कहता है क्या? ओह नो, बात को रोकना नहीं चाहिए बिटिया। ग्रैनी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, आप एक काम करो, सबसे पहले इनका खाना कम करो। बिटिया बिल्कुल ठीक बोल रही है, मुझे तेरा खाना कम करना ही पड़ेगा, 24 घंटे बस चढ़ता ही रहे है। वीडियो गेम खेलने का बहुत मन कर रहा है, अगर मैं वीडियो गेम खेलने बैठ गया तो 2-3 घंटे उसी में लग जाएंगे, और ग्रैनी को पता चल जाएगा कि मैं बिटवा हूँ। करूँ? ग्रैनी। हाँ बोल बिटिया। मेरा फेवरेट सीरियल अनुपमा आ रहा है, चलो ना चल के देखते हैं। अरे मुझे भी वो सीरियल बहुत पसंद है, रिपीट टेलीकास्ट भी देखती हूँ। आपको भी पसंद है? चलो। अरे इस बुढ़िया के सीरियल ने तो पका दिया। ग्रैनी मैं जरा वॉक करके आती हूँ। वॉक? और इस टाइम पे? जो वॉक करते हैं वो टाइम नहीं देखते, और टाइम देखकर वॉक नहीं करते, कोई देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं। ठीक है बिटिया, जा जाकर वॉक कर ले। मैं अभी आई। बिटवा एक चॉकलेट के लालच ने तुझे कहाँ फंसा दिया? और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। अरे आप कौन है मोहतरमा? आपकी आवाज तो भैया जी से मिल रही है। ओह नो मगरू भाई, मैं भैया जी। भैया जी लेकिन आपने ये हुलिया काहे बनाया है? हाँ मगरू भाई, हुआ यू? ये तो बहुत गड़बड़ हो गई भैया जी। मगरू भाई। मगरू भाई आप मुझ पर हंस रहे हो? नहीं नहीं भैया जी, हम तो सिचुएशन पे हंस रहा हूँ। चलो मगरू भाई चलता हूँ, पता नहीं कब तक इसी रूप में रहना पड़ेगा। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। ग्रैनी बिना हर रोज मेरे नए हेयर स्टाइल बना देती है, पर बोलती है तू तो मेरी प्यारी बिटिया है। बिटवा क्या होगा, तू कैसे अपने असल रूप में आएगा? ओह नो बिटवा, क्यों ना इस लुक का कुछ फायदा उठाया जाए। अरे शर्मीली कटीली मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पूछना था, दूसरे शहर गई थी परफॉर्म करने के लिए, वापस आई कि नहीं? काश किसी खूबसूरत लड़की से बात हो जाती मेरी। हेलो। हेलो बुलेट राजा। यस हूज दिस? मैं सुनहरी बोल रही हूँ, पहचाना? सुनहरी? सुनहरी, अरे मैं आपको क्लब में मिली थी ना। हाँ? क्लब में? आवाज से तो बहुत सेक्सी लग रही है, एक काम करता हूँ इसको हाँ बोल देता हूँ। हाँ सुनहरी याद आया, कैसी हो मेरी जान? मैं ना आपके पड़ोस में आई हूँ, और मुझे ना आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अरे वाह क्या बात है, तो आ जाओ ना मुझसे मिलने के लिए। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपको मुझे मिलना है तो आपको मेरे लिए बहुत सारे स्नैक्स लाने होंगे। बस इतनी सी बात? डोंट वरी ब्यूटीफुल, मैं ले आऊंगा। चलो फिर मैं आती हूँ आपके बंगले के पीछे। मजनू नंबर वन। लो सुनहरी मैं आ गया तुमसे मिलने। हाय। अरे तुम मुझे अपना चांसा मुखड़ा क्यों नहीं दिखा रही? ये तो तुम जुल्म ढा रही हो अपने आशिक पर।
ऐसे मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, पहले मुझे मेरे स्नैक्स दो। ये रहे तुम्हारे स्नैक्स, कैसे लगे स्नैक्स तुम्हें? ओ वाओ, माय फेवरेट, चलो मैं चलती हूँ। अरे रुको, अपनी शक्ल तो दिखाती जाओ। अरे इतनी जल्दी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सबर तो करो जानम। तुम तो दिल तोड़कर जा रही हो अपने आशिक का, रुको। जानू तुम कहाँ हो, जरा ऊपर से सामान निकालने में मेरी मदद तो करना। अरे आपकी बीवी आ रही है, चलो मैं चलती हूँ वरना वो मेरा कुटापा चढ़ा देगी। शिट, गलत टाइम पे बुढ़िया ने मुझे बुला लिया, उसके चक्कर में सुंदरी मेरे हाथ से निकल गई। अरे नहीं। और कैसी हो सिलेंडरा दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुटवा? क्या बात है दीदी, आजकल आपने फोन नहीं किया? अरे बिजी चल रही थी छुटवा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? जवान रहने के लिए मेरी सहेली ने दवाई मंगाई थी जो कि बिल्कुल चॉकलेट जैसी दिखती है, चॉकलेट समझ के उसके लड़के ने वो दवाई खा ली और दवाई खा कर वो लड़की बन गया। ओ नो, कहीं वही दवाई तो नहीं जो ग्रैनी ने मंगाई थी और मैंने खा ली? बता रहा था, खाने में वो दवाई बहुत टेस्टी थी, मजा आ गया उसको खाकर। हाँ टेस्टी तो बहुत थी। हाँ बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो दवाई स्पेशल लड़कियों के लिए होती है ना, लड़के खाए तो वो लड़की बन जाते हैं। दीदी वो वापस से नॉर्मल हो जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? अरे उसका तोर तो छुटवा दवाई के रैपर में है, लेकिन उसका वो दवाई इतनी टेस्टी लगी कि वो रैपर समेत ही चबा गया। क्या चॉकलेट के रैपर में लिखा है? हाँ। ओ, फिर तो जल्दी जाकर पढ़ना पड़ेगा। हाँ बोला। चलो दीदी मैं आपसे बात मत करता हूँ, ओके टेक केयर बाय। फिर तो रैपर जाकर चेक करना पड़ेगा। अरे चॉकलेट का रैपर कहाँ चला गया? यही तो था। इस दवाई का असर कम ना हो जाए तो ये चीजें ना खाएं। ओ अरे सुनहरी तुम, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, बात मत करो मुझसे। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? उस दिन आपकी बीवी वहाँ पर आ गई थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। अरे उस बुढ़िया की ऐसी तैसी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, लेकिन आज तुम्हें मुझे अपनी शक्ल जरूर दिखानी होगी। ओके बाबा, आज मैं आपको अपनी शक्ल जरूर दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे लिए ढेर सारी आइसक्रीम्स लानी होगी। ठीक है, काम हो जाएगा क्यूटी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे पप्पी भी देनी होगी। ओह नो। ठीक है ठीक है, आपकी नाराजगी भी दूर कर दूंगी आपको एक पप्पी देके। तो आज कहाँ मिल रही हो मेरी जान? आपके बंगले के पीछे, आपकी बेरी के नीचे। ओरे पिया। हेलो बुलेट राजा, आई एम हियर। आज भी तुम अपने सुंदर मुखड़े का दर्शन नहीं करवा रही, आज तुमने किसी देने का भी वादा किया है। ओके ओके, आपको एक किसी भी दूंगी, लेकिन मुझे मेरी आइसक्रीम तो दे दो। ये रही। क्या सिर्फ एक डब्बा? अरे और भी लाया हूँ माय लव। ओ हाउ स्वीट ऑफ यू। चलो चलो चलो, अब जल्दी से पप्पी दो, कोई बहाना नहीं चलेगा। लगता है आपकी बेटी आ रही है, बच्चा वो मुझे नोच खाएगी। अरे ये तो चीटिंग हुई, बिना पप्पी दिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, रुको। अरे रुको तो। चल बेटवा जल्दी से आइसक्रीम खा ले, तभी तो अपने असल रूप में जल्दी आ पाएगा। अरे कौन है तू और हमारे घर में क्या कर रही है? बेटिया तू इस वक्त कहाँ घूम रही है? मैं ना ग्रैंडपा का टेस्ट ले रही थी, ये ना एक नंबर के रसिया है रसिया। बेटिया तुम सुनहरी बनकर तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। बुढ़ाओ क्या बेटिया सच बोल रही है? नहीं जाना, ये झूठ बोल रही है, मेरा विश्वास करो। इनका कैरेक्टर बिल्कुल ढीला है, ये हमारे बंगले के पीछे ना लड़कियों को मिलने जाते हैं। बोल, कुछ बोलता क्यों नहीं? स्वीटी वो मैं। और यही नहीं, उनके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लेके जाते हैं। अरे बिल्कुल झूठ है। बेटवा तू
बिटवा? मैं अपने असल रूप में आ गया क्या? बिटवा? तो ये तू था क्या? हाँ ग्रैनी, मैं था। तो लड़की कैसे बन गया था? ग्रैनी, आप जो चॉकलेट लेकर आई थी ना, वो मैंने खा ली थी। उसके बाद ना मैं लड़की बन गया था, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। क्या? लेकिन ग्रैनी, अभी तक मैं वापस से अपने असल रूप में क्यों नहीं आ पाया हूँ? मुझे एक हफ्ते तक लगातार आइसक्रीम खानी पड़ेगी इसका असर खत्म करने के लिए। ये दवाई मैंने अपने लिए मंगाई थी, पूरे 1,00,000 रुपए की थी। 1,00,000 रुपए? मैंने उसे अपनी FD तोड़ के मंगवाया था, अपनी जवानी वापस पाने के लिए, और उसे तो खा गया। बिना पूछे मेरी चीजें छेड़ेगा? हाय गाइस, आई होप आपको बिटिया से मिलकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मीट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।